शहर में गौशाला निर्माण के लिए हिंदू सेना बीते 2 साल से कागजी कार्रवाई कर जमीन की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। मौखिक रूप से अधिकारियों द्वारा बाईपास निसर्ग उद्यान के पास खाली जमीन के प्रस्ताव की बात कही गई थी, जिस पर शनिवार को हिंदू सेना द्वारा इस जमीन की साफ सफाई कर यहाँ गायों को रख उनके चारे पानी का इंतजाम किया गया था। रात में प्रभारी तहसीलदार आर के गुहा ने परिसर के अंदर रखी गायों को बाहर करवा दिया, जिससे हिंदू सेना कार्यकर्ता आक्रोशित हुए। रविवार को श्रीराम कॉलोनी चौराहे पर कार्यकर्ता आंदोलन के रूप में एकत्रित हुए, जिसकी सूचना मिलते ही SDM आशुतोष गोस्वामी पहुंचे और समझाइश की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और बस स्टैंड पर जाम कर दिया, जिसके बाद SDM गोस्वामी और CSP मनोज रत्नाकर ने 3 दिन में अस्थायी गौशाला की व्यवस्था कराने की बात कही, जिस पर कार्यकर्ता राजी हुए और अपना आंदोलन समाप्त किया। ना मीडिया वाले हो ना तुम, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वहाँ पे अपन आए थे, उसके बाद में क्या था, मैन मास में कोई थी ना बाउंड्री वगैरह बनाई थी, तो वो चीज़ उससे ना उसका वो स्वरूप डेवलप किया, लेकिन मेरा ये कहना है अभी जैसे कि परमानेंट जैसे व्यवस्था होती है।
जमीनों को ट्रांसफर वगैरह करने में समझता हूँ सर, बिल्कुल बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन ये बात सही है कि आज एसडीएम साहब भी यहाँ पर तीन दिन के अंदर, दो दिन के अंदर हमारी कोशिश ये है कि तीन दिन तो हम आपको ज़्यादा बोल रहे हैं, दो दिन के अंदर हम अस्थायी तौर से आपको ये बता देंगे यहाँ पर बोला तीन दिन का जैसे बोला को माता को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, को माता को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ।